हम नहीं चाहते कि कोई इंडस्ट्रीज 60 दिन से बंद हो। हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, कई ढाबे उन पर निर्भर करते हैं, कई टायर पंचर की दुकान उन पर निर्भर करते हैं, कई ट्रक ड्राइवर और कंडक्टरों की आय उन पर निर्भर करती है, उनके परिवार का पूरा खर्च उन पर निर्भर करता है। अथक प्रयासों के बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अदानी ग्रुप, जो कि काफ़ी समय से एक रेट को लेकर अड़ा हुआ था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत तौर से उनके CEO से बात हुई, एक बार नहीं दो बार नहीं, और आज जब फाइनल बात हुई तो सेक्रेटरी साहब को हमने कहा, वो एक रेट पर अड़े हुए थे कि 10.25 रुपये में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे, फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए। एक बात जो मेरे अभी ध्यान में आई है कि 13 पैसे जो सरकार ने डीजल के बढ़ाए हैं, उस मामले को मैं बाद में खुद देखूंगा, क्योंकि वो सरकार ने 3 रुपये डीजल के बढ़ाए थे, उसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि ये बात मेरे उन्होंने ध्यान में लाई। लेकिन हम जो सिंगल मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है, उसका रेट 10.30 रुपये प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 909.30 रुपये फॉर मल्टी एक्सल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्विंटल तय हुआ है, पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। और जो छोटे मोटे इश्यूज है जो हमारे लेवल पर तय करने वाले नहीं है, वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और डिप्टी कमिश्नर सोलन अपने अपने स्तर पर तय कर सकते होंगे। और टुमारो दिन और कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है, इन प्रोजेक्ट में मनोज चंदेल जी बैठे हैं, मनोज जिंदल जी बैठे हैं, और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, और दाला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये है जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है। और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी और जो एक इश्यूज है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। हमारी ऑपरेटर्स की तरफ से तो कोई सहमति नहीं थी और आज भी सहमति, मैं इसको नहीं कहूँगा कि सहमति हमारी, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये फ्रेट अनाउंस किया है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि नीचे जो पब्लिक है वो काफ़ी उसमें अर्जेंटमेंट थी। हमने 10.70 से स्टार्ट किया था और आज 10.30 में पहुँचे तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि सम्मानजनक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होनी है इसमें, हम लूजर अभी भी लगभग हम साल का 6 से 7 लाख रुपए का रेवेन्यू का लॉस हमारा होगा, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसको CM साहब की अनाउंसमेंट है जिसको हमें ऑनर करना होगा।